सबसे पहले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम बांग्लादेश से फाइनल हारने के बाद आप ऐसे बाहर हो गई। वीडियो में मजीद आगे बढ़ेंगे, मगर तफसीलात की तरफ बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन फौरन आपको मिलती रहे। तफसीलात के मुताबिक भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम की जानिब से न सिर्फ बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों पर जुमले कसे गए बल्कि बांग्लादेश परचम को जूतों तले रौन डाला। मैच ऑफिशियल ने फौरी तौर पर मुदाखलत करके किसी भी अफसोसनाक वाक्य को रुनुमा होने से बचा दिया। वाज़ह रहे कि बांग्लादेश ने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट का टाइटल जीत लिया है। बांग्लादेशी टीम ने भारत को फैसलाकुन मार्के में 3 विकेटों से शिकस्त देकर पहली मरतबा आलमी चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया। बारिश के बायस मैच का फैसला डकवर्थ लुईस मेथड के तहत हुआ। भारतीय टीम पहले खेलते हुए 177 रन पर ढेर हो गई। जवाब में बांग्लादेशी टीम ने सुबह 42.1 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। कप्तान अकबर अली ने जिम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहरा करते हुए 43 रन की इनिंग्स खेलकर भारत की जीत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बंगाल टाइगर की फतह के बाद बांग्लादेश में खूब जश्न मनाया गया। लोगों ने डोल के ताप पर बंगड़े डाले और मिठाइयां तकसीम की, जबकि भारतीय सुरमाओं की शिकस्त पर भारत में सफ़े मातम बुझ गया। जिस सवाल की 88 रन की इनिंग्स हराई गई, इतवार को खेले गए आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में बांग्लादेशी कप्तान अकबर अली ने टॉस जीत पहले भारत को बैटिंग की दावत दी तो बॉलर ने नपितुली बॉलिंग का मुजाहरा करके कायद के फैसले को दुरुस्त साबित कर दिया। भारतीय टीम पहले खेलते हुए 47.2 ओवर में 177 रन बनाकर आउट हो गई। जिस सवाल के सिवा भारत का कोई भी खिलाड़ी बांग्लादेशी बॉलर की उम्दा लाइन और लेन के सामने खुल कर ना खेल सका। जिस सवाल 88 रन बनाकर नुमाया रहे और 47.2 ओवर में 177 रन बनाकर आउट हो गयी। जवाब में बांग्लादेशी अंडर 19 टीम ने मतलूबा हदफ के ताकुब में 41 ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर 163 रन बना लिए थे कि बारिश शुरू हो गई। उसके बाद जब बारिश थमी तो बांग्लादेशी टीम को डकवर्थ लुईस मेथड के तहत फतह के लिए 5 ओवर में 7 रन का हदफ मिला तो बांग्लादेशी टीम ने मजीद नुकसान उठाए बगैर हदफ हासिल कर लिया और यूं पहली मरतबा आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का ताज अपने सर पर सजा दिया। तो दोस्तों, की बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान होने वाले फाइनल के हवाले से कुछ अपडेट। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। इस अपडेट के मुताबिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर दे।